साथ साथ आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नवरात्रि का सीरीज वन लेके आए साथ साथ, तो हम साथ मिलके रेडी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे ऐसे ही। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि आज हम क्यों ना साड़ी पहने, ठीक है, रेड साड़ी और वाइट ब्लाउज, वाइट और रेड मिक्स का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरी रेड साड़ी और ये ब्लाउज, तो मैं इसे पहन के आती हूँ और देखती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। ये मेरी ब्यूटीफुल सी साड़ी और अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना हेयर स्टाइल भी कर लिया है, तो अब लेट नहीं करके पटापट से स्टार्ट करते हैं। लिपा पोती थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैं ज़्यादा आज मेकअप करूँगी नहीं, ठीक है, लाइट में ही रखूँगी फिलहाल, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो लुक करने वाली हूँ वो सप्तमी का लुक है। पहले मैंने लेंस पहना, ये मेरे पहले आईज में तो लेंस आराम से चला गया, फिर मैंने दूसरे आईज में लेंस पहना, मेरी आंखों से पानी आ गया यार, मुझे ना थोड़ा लेंस पहनने में थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं मेकअप शुरू कर रही थी, पहले मैंने टोनर यूज़ किया, ये ककंबर का टोनर है लव अर्थ का, बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है, 200 में बस आ जाता है। उसके बाद जो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये 200 का, इसका छोटा वाला 100 में आता है, ये वाटर बेस है, बहुत अच्छा है, आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं स्टोव क्रीम यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, इसका भी रेंज 250 के आसपास का है, ये भी बजट फ्रेंडली है, आप देखिए इसके लगाने के बाद काफ़ी ग्लो आ रहा है। उसके बाद मैं इनसाइड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो 100 के आसपास आ जाता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। उसके बाद मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया, मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा है नहीं, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन पर आ गई, एलिगल का फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मेरी मम्मी जो आई मुझे आलमंड मुँह में डाल दी, तो मुझे खाना पड़ा। मैंने ऑफ़ कैमरा बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है इसे, आप भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करिएगा इसे। उसके बाद मैं डिलेंसी का लिप पैलेट से मैं अपने गालों पे पिंक पिंक गुलाब की तरह पूरा गुलाबी कर ली, मुझे बहुत पसंद है गुलाबी गुलाबी चिक्स। उसके बाद मैं आंखों के नीचे ये देखिए मैंने थोड़ा सा कंसील किया है हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइट करने के लिए, इसे भी आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा। मैं तो इतना पूरा वीडियो में आपको ब्लेंड करके नहीं दिखा सकती, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने ऑफ़ कैमरा इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, तो मैं आपको भी बताऊँगी कि आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। उसके बाद देखिए मेरे फेस का ग्लो, मैंने स्किन बहुत अच्छे से प्रेप किया था इसलिए मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो आ रहा है। उसके बाद मैं RCMA का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे अच्छे से, इसे आप भी बहुत अच्छे से पूरे फेस पे यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपका मेकअप अच्छे से स्टे हो पाए। ये लूज़ पाउडर 1700 का है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगी 2, वो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली बहुत कम रेंज में कोशिश करूँगी कि बहुत 500 के आसपास ही सारा प्रोडक्ट हो जाए। बट ये देखिए ये जो मेरे पास अभी जो ये ब्लशर पैलेट है ना, इसमें कंटूरिंग भी बहुत अच्छा है, ये देखिए ब्लश कितने अच्छे से लगा मेरे फेस पर, वैसे मुझे बहुत पसंद है पिंक पिंक चिक्स। उसके बाद देखिए मैंने अपने फेस पर कितने अच्छे से कंटूर किया, नोज़ पे चिक्स पे फोरहेड पे बहुत अच्छे से किया, आप भी जब इसे करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, आप अच्छे से इसे देख लीजिए ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने ऑफ कैमरा बहुत अच्छे से फेस पे ब्लेंड किया है ब्लशर को कंटूर को, तो आप भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, ये 250 से 300 के आसपास का आ जाता है, ये मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है, ये मेकअप को लॉक करने के लिए होता है, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है, तो इसे आप भी बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ, ये आईब्रो जेल 2000 के आसपास का आता है, ये मैक का है, ये बहुत अच्छा है, मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है ये आईब्रो जेल। देखिए मैंने एक साइड आईब्रो को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, अब मैं दूसरे साइड आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए मेरे दोनों साइड आईब्रो अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं, अच्छा भी लग रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईज़ पे कंसीलर, क्रालोन का है, ये 22 नंबर है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने आईज़ पे आई शेडो, मैं वही सोच रही हूँ कि आज मैं कौन सा आई शेडो यूज़ करूँ रेड साड़ी पे क्या अच्छा लगेगा। मैंने इसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है ऑफ़ कैमरा में। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कौन सा आई शेडो यूज़ करूँ, समझ ही नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि क्यों ना हल्का सा मैं लाइट पर रखूँ,
तो फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ आगे। बस देखिए ये है आई शेडो, ये आई शेडो मैंने लाइट शेड यूज़ किया है। देखिए आप इसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा। उसके बाद मैं इससे हल्का सा डार्कर शेड लूँगी, इसे भी मैं बहुत अच्छे से आईज़ पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डार्कर शेड लूँगी नीचे में और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। स्टार्टिंग में जो मैंने सबसे लाइट शेड लिया था ना, उसके बाद मैं वो लाइट शेड लेकर के पूरे आईज़ पे, देखिए मैं लाइट शेड जो है पूरे आईज़ पे मैं अच्छे से ऊपर में मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ा लाइट शेड में ही बना रहे। ये देखिए मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ा सा सिमरी शेड लगाया जाए, तो मैंने अपने आईज़ पे थोड़ा सा सिमरी शेड लगाया। अच्छा लग रहा था मेरा आईज़, देखिए दोनों आईज़ कितना सुंदर से आई शेडो लगा हुआ था। उसके बाद मैं आईब्रो के नीचे हाईलाइट करने के लिए उसी आई शेडो से मैंने हाईलाइट किया। आईज़ के कॉर्नर में भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया। जो जो शेड मैंने आईज़ के ऊपर लगाया था लाइट से डार्कर शेड तक, मैंने वही वही शेड आँखों के नीचे भी, वही शेड आँखों के नीचे भी लगाया। इसके बाद मैंने अपने आईज़ पे देखिए वाइट काजल लगाया। ब्लैक काजल मुझे उतना कुछ पसंद नहीं, तो मैंने वाइट काजल लगाया। और ये देखिए मेवलिन का जो मस्कारा है कि बहुत अच्छा है, देखिए आप, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ये आईज़ और वो आईज़ में। उसके बाद मैंने अच्छे से मस्कारा लगा लिया क्योंकि अब मुझे आज मन नहीं था कि मैं लैसेस पहनूँ। उसके बाद मैं जो ये हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ होजो का, ये हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है, 500 में आ जाता है। मैंने पूरी अपने हाईलाइटिंग जोन में बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। आप इसके बाद उसका ग्लो देख ही रहे होंगे कितना अच्छा सा आ रहा है। अभी जो मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ ये लव अर्थ का है। इसका पूरा सेट आता है, 9 सेट का होता है। इसमें न्यूड एंड डार्क सारे कलर होते हैं। इसी का ये कलर रेड कलर है, देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत देर स्टे करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इसका 9 कलर। अगर आप चाहें तो आप भी परचेस कर सकते हैं इसे। उसके बाद मैंने लगाया ये रेड बिंदी जो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपने नेक पे तो फाउंडेशन लगाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं अपने नेक पे फाउंडेशन लगाई। इसे भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आज गोल्डन कलर का नेकलेस पहनूं, तो मैंने गोल्डन कलर का नेकलेस पहना और इसी का इयररिंग सेट में था, मैंने ये इयररिंग्स पहना। ये इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट क्या करती ये इयररिंग्स एक टूटा हुआ था जबकि न्यू था, आज मैंने पहला बार पहना था फिर भी ये टूटा हुआ निकला। फिर मैंने दूसरे इयररिंग्स उसके साथ मैच करके मैंने पहना। फाइनली मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे पहनना था बैंगल्स। मैं सोच रही थी कौन सा पहनूं, तो मैंने रेड कलर का बैंगल्स पहना। ये देखिए मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। मैंने स्किन बहुत अच्छे से प्रेप किया था और फाउंडेशन को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था, तो आप भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा और स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लीजिएगा। उसके बाद फेस का ग्लो देखिए कितना आएगा। आप देखिए मैं एकदम सामने से दिखा रही हूँ, फेस का ग्लो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। आई मेकअप भी देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है पूरे आईज़ पे देखिए। और मैंने जो ये वाइट काजल लगाया है ना, इससे आईज़ थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, इसलिए मैंने वाइट काजल लगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेकअप करोगे तो आपका रिज़ल्ट भी बेस्ट आएगा। आप देख लीजिए मेरा रिज़ल्ट, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ऐसे सीरीज़ लेके आऊँ।